सत श्री अकाल सबको, मेरा नाम प्रियंक वर्मा है, मैं फ्लीट मैनेजर पंजाब जिगिस्ता हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। तो आज हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं टायर मेंटेनेंस या टायर मैनेजमेंट। तो उस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें आज देख सकते हैं कि हम अपने टायर्स की लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग जैसे इंसान के अंदर उसके पैर इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही गाड़ी के या किसी व्हीकल या हमारी एम्बुलेंस के अंदर हमारे टायर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते क्योंकि बड़े महंगे आते हैं और हम अगर उसे ज़्यादा नहीं चलाएं तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। तो टायर मैनेजमेंट के लिए हम किस तरीके से टायर्स को लाइफ को बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है हमें रैश ड्राइविंग को ख़त्म करना होगा या कम करना होगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम ज़्यादा स्पीड से गाड़ियों को चलाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से गाड़ी का वियर टियर ज़्यादा होगा। आपको देखा होगा जब आप गाड़ी को ओवर स्पीडिंग चलाएंगे या रैश ड्राइविंग करेंगे तो क्या होगा, सडन आपको ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे, कहीं पे गड्ढा आ गया तो गड्ढे के अंदर गाड़ी का पहिया चला गया, ठीक है, या ब्रेकर आ गया, ठीक है, तो उसके ऊपर गाड़ी को स्लिप हो गई ब्रेक मारने पे। तो उससे क्या है, उससे हमारा टायर का वियर टियर बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसिक क्या है, अगर हमें गाड़ी के रैश ड्राइविंग से बचना है, बचेंगे तो उससे हमारा गाड़ी की टायर लाइफ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था टायर प्रेशर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि क्या होता है, गाड़ी की माइलेज के साथ साथ टायर लाइफ भी टायर के प्रेशर पे डिपेंड करती है। जैसे अब मान लीजिए गाड़ी का टायर प्रेशर हमारा किसी गाड़ी के अंदर PSI में हम नापते हैं, जिसे जैसे 55 PSI, 60 PSI, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर एक लिमिट दे रखी होती है कि इस गाड़ी के अंदर इतने टायर का प्रेशर रखना है, लेकिन अगर हम उसे नहीं रखते तो क्या होगा, टायर दबके चलेगा, दबके चलने के बाद में वो साइड से टायर को ज़्यादा वियर करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट, क्योंकि उसके अंदर एयर कम है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, टायर के अंदर एयर ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उससे क्या होता है कि टायर हल्का सा फूल जाता है और टायर फिर साइड से टायर को डैमेज करने लगेगा। इसलिए हमें ना टायर में हवा ज़्यादा रखनी है, ना हमें टायर में हवा कम रखनी है, हमें टायर में उतनी ही हवा रखनी है जितनी हमारी बता रखी है। जैसे अब ये फोर्स गाड़ी है, इस फोर्स गाड़ी में हमें आगे टायरों में 60 PSI और पिछले टायरों में 65 PSI हवा को रखना है। इससे क्या होगा, हमारी टायर्स की लाइफ प्रॉपर अच्छी रहेगी और हम अच्छी लाइफ पा सकते हैं। तीसरा है हमारा पॉइंट टायर अलाइनमेंट। अच्छा, अलाइनमेंट के लिए कैसे पता करेंगे, जैसे मान लीजिए नॉर्मल हम कभी कभी गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी टायर हल्का सा अपने स्टेयरिंग को हल्का सा छोड़ेंगे, अगर हमारी गाड़ी एक तरफ को किसी भी साइड को भाग रही है तो समझ सकते हैं प्लेन रोड पे कि हमारे गाड़ी का टायर का अलाइनमेंट आउट है। अलाइनमेंट आउट है इन द सेंस कि गाड़ी इधर उधर को भाग रही है, तो उस अलाइनमेंट आउट होने से क्या होता है, या तो गाड़ी एक साइड का टायर ज़्यादा खाएगी फ्रंट राइट साइड का, या फ्रंट लेफ्ट साइड का टायर ज़्यादा खाएगी, इससे क्या होगा, टायर वियर टियर बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, जब भी कभी हमें ऐसा लगता है तो हमें टायर का अलाइनमेंट व्हील अलाइनमेंट की शॉप पे जाके व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट चेक कराना चाहिए। वैसे तो बेसिकली हमें 5000 किलोमीटर पे टायर का अलाइनमेंट कराना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हमारी गाड़ी 5000 किलोमीटर चल जाती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग लॉन्ग रूट्स पे चल रहे हैं, कभी कहीं गड्ढे में पड़ गई, ठीक है, कभी कहीं ब्रेकर पे से गाड़ी जंप कर गई, तो उससे क्या होता है कि हल्का सा 19-20 टायर आउट हो जाता है, जिसकी वजह से टायर्स गाड़ी खाने लगती है, ठीक है। तो हम 5000 किलोमीटर पे, नहीं तो अगर हमें लगता है कि टायर गाड़ी हमारी इधर उधर साइड को ज़्यादा भाग रही है तो हम गाड़ी चेक करा सकते हैं। उसमें और भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है अलाइनमेंट आउट हो सकता है, सस्पेंशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, तो उसके थ्रू हम लोग इसे ठीक कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कवर हो गया। अब हमारा है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट होता है व्हील रोटेशन, ठीक है, जिसे हम देशी भाषा में बोलते हैं कैंची मारना। व्हील रोटेशन क्या होता है कि हमारी गाड़ी के फ्रंट साइड के टायर्स ज़्यादा खींचते हैं और रियर साइड के टायर्स नहीं खींचते हैं, ठीक है ना, या कभी कभी जो गाड़ी फ्रंट ड्राइव होती है या जो रियर ड्राइव होती है उसमें पीछे के साइड के ज़्यादा खींचते हैं, फ्रंट नहीं खींचते, तो इस साइड का प्रॉब्लम होती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना है कि 10000 किलोमीटर पे, हर 10000 किलोमीटर में हमें एक्स शेप में टायर चेंज करना है। तो आगे का जो राइट साइड का टायर है उसे पीछे के लेफ्ट साइड से चेंज करना है, और आगे का जो लेफ्ट टायर का साइड का टायर है उसे रियर के राइट साइड से चेंज करना है। उससे क्या होगा, टायर बराबर खिसेंगे, ये नहीं कि कोई टायर ज़्यादा खिस रहा है कोई टायर कम खिस रहा है, उससे सिंपल सा टायर का वियरिंग हमारी प्रॉपर होगी और चारों टायरों की लाइफ हमारी ओके होगी। और हमारा एक पांचवा बड़ा छोटा सा पॉइंट है जो हम लोग ध्यान नहीं देते, कि ये छोटे छोटे से जो पत्थर होते हैं ये हमारी गाड़ियों के बीच में फंस जाते हैं, इस टाइप के जो ये पत्थर होते हैं ये हमारी गाड़ियों के बीच में, यहाँ इधर बीच में जो हमारी ये बीच में जगह है इनके बीच में ये फंस जाते हैं। अब इन फंसने से क्या होता है कि जब हमारी गाड़ी पर लोड पड़ता है तो ये गाड़ी में इस तरीके से कट मार देते हैं गाड़ी के टायर्स के अंदर, और ये कट क्या होता है, धीरे 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 बढ़ जाता है और हमारे टायर ख़राब हो जाता है। तो हम कभी भी जब सुबह गाड़ी पे आएँ
तो बेसिकली हमें चारों टायर्स को अपने चेक करना है कि कोई इस तरीके का पत्थर ना हो, और साथ साथ इन पत्थरों के साथ साथ ये भी देखना है कि हमारी गाड़ी में कोई नुकीली चीज़ फंसी ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि छोटी कील या कोई भी कांच टाइप में हमारे टायर्स में फंसा रहता है। ठीक है, तो एक बार नॉर्मल से हमें चारों टायर्स को आने के बाद में देख लेना चाहिए कि हमारे कोई टायर में कोई चीज़ ऐसी नुकीली फंसी भी तो नहीं है कि जो हमारे चलने के बाद टायर को ख़राब कर दे। तो बेसिक यही पॉइंट्स हैं कुछ जिसके थ्रू हम टायर्स को, टायर्स की लाइफ को बढ़ा सकते हैं और टायर से हम एक अच्छी टायर माइलेज अचीव कर सकते हैं। तो बेसिक यही हमारे छोटे से पॉइंट है जिसके थ्रू हम टायर लाइफ बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।